वाराणसी में रंगरेज फैशन फिएस्टा मेले का उद्घाटन आज बनारस के भेलपुरा क्षेत्र में स्थित डायमंड होटल में मुख्य अतिथि डॉक्टर दिव्या अग्रवाल चेयरमैन आयुष्मान हॉस्पिटल के द्वारा संपन्न हुआ। मेले में विभिन्न राज्य से लोगों ने आकर स्टॉल भी लगाए। यहां पर उनके हस्तशिल्प का हुनर देखने को मिला और यहां पर विभिन्न प्रकार के खान पीन के आयोजन भी किए गए, जिससे शहरों से आई अनूठी और तरह तरह की वस्तुओं के स्टॉल भी लगाए गए और इसका आकर्षण का केंद्र मेले में आयोजक गौरी केडिया रिधि अग्रवाल ने बताया कि सुबह मेले का शुरुआत होते हुए हजारों की संख्या में लोगों ने खरीदारी शुरू कर दी। खरीदारी करने वाले लोगों का गौरी केडिया और रिधि अग्रवाल ने हृदय से आभार जताया। प्राइम बीके न्यूज चैनल के लिए रोहित सेठ, वाराणसी, उत्तर प्रदेश। मैं डॉक्टर दिव्या अग्रवाल हूँ, आयुष्मान हॉस्पिटल की डायरेक्टर। आज यहाँ रंगरेज फिएस्टा मेले का आपने उद्घाटन किया, क्या कहना चाहेंगे इसको? मैं ये कहना चाहूँगी कि ये बहुत ही अच्छा फोरम है। यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया के डिजाइनर्स और आर्टिस्ट यहाँ पे आ रहे हैं, अपना टैलेंट शो कर रहे हैं, अपनी जो भी प्रस्तुति कर रहे हैं। और ये स्पेशली जो बायर्स हैं, जो कस्टमर्स हैं, उनके लिए भी बहुत ही अच्छा है, क्योंकि एक ही प्लेटफॉर्म के नीचे, एक ही छत के नीचे उनको अपॉर्चुनिटी है कि डिफरेंट तरह के डिजाइन। और सबसे अच्छा मैं देख रही हूँ यहाँ पे हैंडमेड हस्तनिर्मित चीज़ें भी बहुत ज़्यादा हैं। और सबने इतना, मतलब यंग लड़कियाँ भी आई हैं जो इतनी अच्छी पेंटिंग्स, इतनी अच्छी क्लिप्स और ईयरिंग्स और इतने सब बनाया है अपने हाथों से और उसको डिस्प्ले कर रहे हैं। ये देख के मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एक ही छत के नीचे गौरी केडिया जी ने और मैडम ने महिलाओं को जो इस तरह से प्रोत्साहन देके आगे बढ़ाया, क्या कहना चाहेंगे इन लोगों के लिए? मैं इन लोगों को कहना चाहूँगी, बहुत ही धन्यवाद भी कहना चाहूँगी और मैं लोगों को बहुत ही ज़्यादा बधाई देना चाहूँगी कि इन्होंने इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया। और मतलब बहुत से लोग मैं देख रही हूँ फर्स्ट टाइम भी एग्जीबिशन लगा रहे हैं और अपना टैलेंट शो कर रहे हैं। भाई बहुत से लोग आप पेंटिंग करते हैं, चीज़ें बनाते हैं, लेकिन उनको सामने, लोगों के सामने शो करने का मौका नहीं मिलता। लेकिन ये ऐसा इन्होंने अपॉर्चुनिटी दी है, किसी बहाने सब लोग अपना टैलेंट सबके सामने रख पा रहे हैं। मैं गौरी केडिया, रंगरेज फैशन फेस्टा की तरफ से। आज यहाँ मेले का आगाज़ आपने किया हुआ है, एक दिवसीय आगाज हुआ, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगी कि आज जो मैंने यहाँ लगाया है तो सभी काफ़ी लेडीज़ फर्स्ट टाइम हमारे साथ जुड़ी हैं, तो हमें बहुत ही अच्छा लगा है। और काफ़ी यंग क्राउड्स है, काफ़ी लड़कियाँ बहुत अच्छे अच्छे हाथ से अपना सामान बना बना के यहाँ लाई हैं और वो भी बहुत खुश हैं। उनकी खुशी देख के अच्छा लग रहा है कि हम लोग भी कुछ समाज के लिए, और कुछ गर्ल्स जो कि अपने हाथ से जो काम करती है हस्तकला, दिखाने का हमें मौका मिला। जिस तरीके से वाराणसी प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है, आपने महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए ये फैशन मेले का आयोजन किया है, क्या कहना चाहेंगी और महिलाओं के लिए? देखिए, जैसा प्रधानमंत्री जी भी यही चाहते हैं, वो भी हस्तकला पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। मेरा नाम प्राची है, आपका नाम हैप्पी गिफ्टिंग है। हम लोग का सब चीज़ें हैंडमेड। इसके पिछले साल भी आपने स्टॉल लगाया? पिछले साल भी स्टॉल लगाया था, मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला था कि मैं फिर से आई हूँ इस बार। तो मेरा सारे चीज़ें, मैं नई चीज़ें भी लेके आई हूँ, होम डेकोर का भी, हैंडमेड राखियाँ वगैरह सब लेके आई। रंगरेज फैशन को लेके क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगी कि रिजा जी का बहुत सपोर्ट है, वो मुझे बहुत सपोर्ट करती है। लास्ट टाइम भी उन्होंने मेरे लोग, मैं साक्षी अग्रवाल, मेरा फॉर्म का नाम है साक्षी डेलिकेसी, जो बेकरी के प्रोडक्ट्स के डील करते हैं, और दूसरा है मेल्टिंग मोमेंट्स, जो कैंडल और रेजन प्रोडक्ट्स में डील करते हैं। कहाँ से बिलोंग करती हैं? मैं वाराणसी से। इसके अलावा ये प्रोडक्ट और भी कहाँ सेल होता है? ये जो बेकरी प्रोडक्ट्स है सिर्फ लोकल एरिया, मतलब वाराणसी, और रेजिन और कैंडल आपको ऑल ओवर इंडिया। ये शॉप है आपकी या डायरेक्टली घर से होम डिलीवरी? उसके लिए क्या कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह क्या है? मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9696576188। आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं किसी चीज़ के लिए भी। मार्केट के अलावा जो मार्केट में रेट चल रहा है, क्या उससे आपका चीफ है या? मेरा स्मिता अग्रवाल नाम, मेरा अग्रवाल होलसेल फैशन से लौरा बे पे शॉप है, रेड टेप के बगल में। मैं डील करती हूँ सब तरह की कुर्ती, सूट्स, चादर, दोहर, बेड कवर, बेडशीट, कुशन कवर्स, सोफा कवर्स, चेयर कवर्स, सब चीज़ में। क्या रेंज है इसकी? मेरी स्टार्टिंग रेंज 500 से शुरू होती है और मेरी सारी चीज़ों में प्राइस बहुत लेस है और बहुत रिजनेबल रेट में काम। ये प्रोडक्ट कहाँ का बना हुआ है? ये हम ट्रेडिंग करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, कई जगह से मैं मंगाती हूँ और फिर सेल करती हूँ। क्या कहना चाहेंगी काशीवासियों को? काशीवासी हमारे बहुत फ्रेंडली हैं और बहुत कोऑपरेटिव हैं, अगर उन्हें पता चले कि हमारे यहाँ। सुशांत खंडा, कहाँ से आप आए हैं? वाराणसी। वाराणसी स्टॉल में क्या, इस जो मेला लगा हुआ है, क्या कहना चाहेंगे रंगरेज फैशन के लिए? रंगरेज फैशन मैं फर्स्ट टाइम लगा रहा हूँ, मुझे भाभी ने फ़ोन किया था, गौरी केडिया जी ने, और कहा था कि आपका स्टॉल काफ़ी अच्छा रहता है सुशांत भैया, आपका रेट भी काफ़ी रिजनेबल रहता है,
उस हिसाब से आप हमारे यहाँ स्टॉल पर पार्टिसिपेट करिए। भाभी ने कह दी मैंने फर्स्ट टाइम यहाँ पे लगवाया है और इन्जॉय कर रहा हूँ, आगे भी इन्जॉय करूँगा, जैसा रहेगा पता लग जाएगा। साड़ी में कौन कौन सी वेराइटियाँ हैं? सूट्स हैं मेरे पास, सूट थ्री पीस सूट्स हैं, आगे वेडिंग सीजन है उस हिसाब से मेरे पास सारे सूट्स हैं। किस रेंज से स्टार्ट है आपके? हेलो, मैं मीनाक्षी वर्मा हूँ। मैं ये सब सारे हैंडमेड प्रोडक्ट हैं मैं जिसमें ये बैग आते हैं, कीरिंग आते हैं, और ये प्लांटर है, मिरर वर्क है, हेयर बैंड, ये सब सारे हैंडमेड हैं। कहाँ से आई हैं मैडम आप? कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं? नाटिमली। नाटिमली स्टॉल पहली बार लगाया आप? नहीं, यहाँ पे तो पहली बार है, ऐसे स्क्रैप्स वाला मैंने एक बार और लगाया था। और रंगरेज फैशन को लेके क्या कहना चाहेंगी जो मेला लगा हुआ है? रंगरेज